कर रही सत्संगत जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1065 तो अगे पाठ करना है। 1065 नंबर अंक तो मारू राग विच तीजी पातशाही धन धन गुरु अमरदास जी दे उच्चारण कीते हुए सोलहां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच 21वें सोलहे दे 3 पद्यां तक दे पाठ पहला हो चुके हैं। अज अगों पाठ करना है। सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर कै शब्द हर नदर निहाले। ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदरी नदर मिलाएंदा। सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर कै शब्द हर नदर निहाले। ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदरी नदर मिलाएंदा। सो जन साचा जन तो की पावे, ओ दास ओ सेवक ओ पुरुष, जन तो पाव पुरुष भी है, दास भी है, सेवक भी है। साचा सच्चा है कौन जे अंतर पाले, पवित्र है। क्यों पवित्र है? जे अंतर पाले, जो अपने अंदर पालदा है, अंदर उस परमात्मा नाल उस सच नाल सांझ बनांदा है। सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर के शब्द हर नदर निहाले। और जो अंदर पालदा है, अंदर सांझ बनांदा है, जो जो अंदर निज दे घर विच जिसका मन टिक जांदा है, गुर कै शब्द गुरु दे शब्द दे राही। उच्चारण वाल भी के ते कै तो थोड़ा उच्चारण फर्क आंदा है, दुलावां लगिया हुई हैं। गुर कै शब्द, शब्द दे ददे नूं सिहारी है, शब्द दे राही हर नदर निहाले। गुरु दे शब्द दे राही, गुरु दे शब्द दी बख्शिश सदका मन निज दे घर विच टिक जांदा है। गुर कै शब्द हर नदर निहाले, हरि नूं अखां दे नाल नदर नदर रे नूं सिहारीए, अखां दे नाल निहाले तकन लग पैंदा है। पाओ मन दी ओ उच्ची ते सुची ते पवित्र अवस्था बन जांदी है, जिस अवस्था विच हरि नूं हर पासे वसदे हरि नूं ओ महसूस करन लग पैंदा है। परमात्मा हर जगह मौजूद है, अंदर भी है बाहर भी है। अंदर वसदा हरि साडे नाल सांझ नहीं बन रही, इसलिए सानू बाहर भी हरि नहीं दिस रहा। गुर कै शब्द हर नदर निहाले, कहिंदे जदों मन दी अवस्था ओ अवस्था बनी, जिस अवस्था विच हरि दे नाल सांझ बनी, ओ बनी किस तरह? गुरु दे शब्द दे राही हर नदर निहाले, हर पासे वसदा हरी महसूस होने लग पिया। एंड समझिए, हर पासे वसदे हरी नाल सांझ बनन लग पई। ज्ञान अंजन पुरुषबी नदर मिलाएंदा। ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी, ज्ञान दा अंजन, अंजन कहंदे सुरमे नूं। ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी, असी अखां विच असी ध्यान देईए ना, सुरमा पांदे ने कि अखां दी रोशनी तेज हो जाए। गुरु साहब ने उयो अंजन इस्तेमाल कीता, ज्ञान अंजन मत दे विच ज्ञान दा सुरमा पा देईए। ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, पर पाए किस तरह? गुरु दे शब्द दे राही। हर देखो, ज्ञान ते सारे ज्ञान हन, असी कुछ भी चंगा भी तकीए ओ भी नॉलेज है, भैड़ा भी तकी है ओ भी नॉलेज है, पर गुर शब्दी जिसने मन नू पवित्र करना है ओ गुरु दे बोलन, जिन्ने मन नू टिकाउना है ओ गुरु दे बोलन। ते गुर शब्दी ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, मन नू ज्ञान दा सुरमा पाए, पर ओ ज्ञान लवे किधरों? गुरु दे शब्द दे राही। ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदरी नदर मिलाएंदा।
नदरी नदर मिलाएंदा। फिर नदरी मेहरबान हरी कह लिए, परमात्मा कह लिए, नदर नदर दे फिर ररनुसियारीए, मेहर दी नजर पा के मिलाएंदा, अपने नाल मिला लेंदा। ए मिलाप होंदा किस तरह? हरी दे नाल गुरु दे शब्द दे राही मिलाप हो जांदा है। गुरु दे शब्द दे राही मन दी ओ अवस्था बन जांदी है कि हर पासे वसदा हरी सानू दिसन लग पैंदा है। जी हरविंदर वीर जी, सूजन साचा जे अंतर पाले, जो ओ जिहड़ा गुरु कहिंदे ने बाहर ढूंढण ते अब छूट पड़ी, वी रब नूं जे पालना इहनां कहिंदे बाहर टोलै सो भरम भुलाई। जिसने अपने परमार्थ दा जीवन दी सुधार लई, उहनूं अपलिफ्ट करन लई, जे बंदा बाहर दे तीर्थां ते जाके इशनान करदा पिया है, जिहड़ा बंदा वख वख कह लो बाहर दे सारे काम करदा पिया ना, गुरु कहिंदे कहिंदे बंदे खोज दिल हर रोज, तू अपने जीवन की पड़चोल कीता करन। गुरबाणी की कसवटी है, तेरा जीवन है, तू रोज हमेशा जिहड़ा है ना, भी वह कहिंदे अंतरगत तीरथ मल नाओ, तेरे अंदर ही एक होर शब्द आंदा कबीर दा शब्द है, कहिंदा असमान महाने लहंग दरिया गुसल करदन बूद। असमान असमान नॉर्मली कई बार दसम द्वार कह लो, असमान पाओ साडा साडी सोच कह लो, सोच मंडल कह लो, दिमाग कह लो, दसम द्वार कह लो, कहिंदा असमान महाने पाओ तेरे तेरे दिमाग विच कह लो ना, कहिंदा एक रब्बी सिद्धांतां दा दरिया वगदा पिया। असमान महाने लहंग दरिया, कहिंदा उधर कीता की कर, कहिंदा गुसल करदन बूद, मतलब हुण ते वर्ड यूज विच नहीं आंदा, मतलब असीं छोटे हुंदे सी उस टाइम दिस वर्ड वॉज वेरी कॉमन, गुसल खाने जाना, नहान का जगह जरा ना गुसल खाने जा रहा है, कहते उ जिथे रबी सिद्धांत तेरे अंदर जो तेरे जो गुरु को मिलते पे ना, इशनान किया कर। असि को गुरदरे आओ सदा जल निर्मल, इशनान किया कर, भी वह इतने कहते भी सोजन सच, वह जीवन भी सच्चा स्वरूप सच स्वरूप जीवन हो जाएगा, कि जरा बार भालेगा नहीं, जिहड़ा बार तीर्थां ते जा रहा है, बार लंगर लगवा रहा है, उस उहदा नहीं, जो अपने जीवन की पड़चोल करना शुरू कर, कहिंदा सोजन साचा जे अंतर पाले, कहिंदा उह करदा जीवन परिवर्तन की, कहिंदा कहिंदा गुर कै शब्द हर नदर निहाले, उह गुरु दे शब्द विच जुड़ के गुरु दे शब्द दे राही परमात्मा नूं अपने तो दूर नहीं समझदा। उह हर कि कहते भी कहते जल फल मईल गुप्तो वरत गुर शब्दी देख निहारी जी। एक आम दुनिया का जरा कमेंट है, कहते रब कि है, रब दिखता है, कहते दिखता तो दिखाओ, गुरु का गुरु जो तो कहता कहते हर बिन है कोई कहां बताओ, रब तो बिना भी कोई चीज है, गुरु कहता सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, नजरिया है, एक बंद रब नजर ही नहीं आ रहा, तो गुरु कहता है सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, हर बिन है कोई कहां बताओ, कहते गुर शब्दी गोबिंद गजया, गुरु के शब्दा दे राही उन्हों परमात्मा कहते भी गुर कह शब्द हर नदर ने हाले, वह अपनी अखा दे हूँ यह अखा दे नाल रब नहीं मिलना, कहना इन्नी अखी नदर ना आवी जिचर शब्द ना करे विचार, लोयन लोई डिठ प्यास ना बूझे मूह कणी, नानक से अखणियां बेअन जिन्हां दिसंदड़ो मापरी, वह अखां वक्खरियां ने जिन्हां दे नाल तू रब दे दर्शन करने ना, बाहर वाली अखां नहीं ने, वह पैके चरण कर पाओ के लोयन सुरत करे, तू गुरु दे शब्द नूं ध्यान विच रखेगा ना, तेरी सुरत विच जे गुरु का शब्द टिके है, तेनूं हर थां दे उत्ते परमात्मा विचरदा अपने विशाल, तेनूं नजर आना ही आना है, तेनूं इतने पहले भी कहते असमान में आने लहंग दरिया कुसल करदन बूद, उगे लाइन आती कर फकर दायम लाए चश्मे, फकर पाओ फकीरी वाला जीवन, एक जरा जीवन है भी वह सोमन हस्ती घ्यो गुड़ खावे, दिखावा शो ऑफ सारा क्लबा पोपा का जरा जीवन है, एक जरा दूजा जरा भी वह सिंपल लाई मन नीवा मत उची, कहते कर फकर दायम लाए चश्मे, कहते जहां तह मौजूद, जे तू गुरमत के सिद्धांत का चश्मा लगा दिता ना अपनी सुरत के उत्ते, कहते फिर जहां तह मौजूद
फिर रब तेनू हर थां दे उत्ते पूर्ण तौर पर व्यापक जड़ा है ना उद क्योंकि गुरमुख तां कहिंदी है कहिंदे भी सर्व गुणा गुण उत्तमो भरता दूर ना पिखरी। तू रब नू अपने आप तो रब नू बिल्कुल दूर ना महसूस कर, कहिंदा नेड़ा नेड़ा सब को कहे, कहिंदा गुरमुख भेद को विरला लै। हर बंदा कहिंदा वो सारा शब्द ही ऐसा है, कहिंदा भी नेड़े दिखे सो बुरा क्यों कहे, वो पाप करे नित डरता फिरे। कहिंदा गुरमुख जिहड़ा गुरु कहिंदा भी गुरु दे शब्द दे राही रब नू तू अपने अंग संग हमेशा कहिंदा सेवक को निकटी होए दिखावे। करामात जीवन च वरतेगी किवें वरतेगी, कहिंदा गुरु दे शब्द दे नाल जुड़िया, गुर कै शब्द हर नदर निहाल है। फिर कहिंदे ने ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, गुरु दे शब्द दे राही तू ज्ञान दा सूरमा। कहिंदे ने ज्ञान अंजन गुर दिया अग्ञान अंधेर विनाश। असी कई बार गल करने कुदरतन जो वर्ड इतने अंजन आ रहा है, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर अस कि असी समझिए कि जो गुरु वर्ड यूज करते हैं ना दे आर कॉन्टेक्चुअल प्रासंगिक होंगे ने। हम देखो इतने गुरु कहते हैं ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, ज्ञान का सूरमा जिथे बी मेरी, क्योंकि सूरमे की एक कह लो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि वो अखा की रोशनी तेज होंगी। हुण सूरमा जिहड़ा है ना उहदी एक फिजिकल कह लो प्रॉपर्टी भी है कि वह काले रंग का होंदा, जिथे लग जाए उत्थे काला काला कर देंदा है। हुण असीं कहिंदे नहीं भी उह जदों कहिंदे अंजन माए, असीं कई बार बाणी विच रब नूं ऐस निरंजन संबोधन करने पए आ, ते उत्थे जे असीं कह लई जे असीं इस गल नूं स्टिक कर लईए कि नहीं अंजन मीनस केवल ज्ञान होंदा, ते जदों रब नूं निरअंजन कहांगे और रब ज्ञान तो रहित हो गया। जे वी हैव टू टेक द कंटेक्सट, गुरु ने सानू बार दे उदाहरण दे के हुण सूरमे दे तो सूरमे दा तो कोई तो एनालॉजिकल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, एक चीज दिखाई बार दी चीज दिखाई उहदी एनालॉजी तुहानू दित्ती कि भाई देखो यह चीज बिकन पत्थर नू पानी च रखो देखो कहिंदा देख लो कहिंदा फिर तैसे ही तुम ताहे पछाणो। गुरु जिहड़ा है ना ही इज यूजिंग एक तो यह कह लो भी दृष्टमान के एग्जाम्पल दे के एनोलॉजिकल एक्सप्लेन करन दे काम भी करते पे ने, यह चीज़ तू देखो यदि एनोलॉजी के नाल उत कर। फिर गुरु जिहड़ा ना असी विचार भी करते भी गुरु मिथिहास या कह लो या प्रचलित गल्लां दे भी उदाहरण दे के गल समझाते रहे सानू जो चीज़ा जो मिथिहासिक कहानियां ने गुरु उन्हों की प्रोड़ता नहीं कर मेरे सर जो असल मैं ब्रदर नाल डिस्कस करता पिछले दो दिन पहले एक विचार भैन जी ने सवाल किया वैसे कि बई हाइपोथेटिकल जो चीज उंज संभव नहीं होंगी आम तौर पर दुनिया विच गुरु उहदे भी एग्जाम्पल लैके सानू समझाते हैं। गुरु का कम समझाना है मीडियम जो मर्जी हो, इत्थे नूं इत्थे हुण कुछ चीज़ां बिल्कुल ए जिहड़ा देखो असी कहने भी जे जुग चारे आर जां होर दसूनी होए। हुण कोई बंदा ऐसा तो नहीं भी जिहदी उम्र 40 जुग जितनी हो जाए, हुण इह है हाइपोथेटिकल जरा है ना वो कह लो भी एक अनुमानित तरीके दे नाल अनुमान कर लो भी एवं सोच लो जे तेरी उतनी उम्र हो जाए या जिकन जे जिकन गुरु ग्रंथ साहब जी जिकन शरीर आग का चालू होंदा कहिंदा मोती तां मंदर उसरे रतनी तां होए जड़ाओ। हुण मोती दे मंदर उसरे होए होंदे नहीं या कहिंदा एवड वड्डा मावा नाई प्यो करी भी आख कराई, हुण इतना वड्डा कोई होंदा नहीं कि वह कितने समा ना सके। गुरु जिहड़े ने ना वह हाइपोथेटिकल सिचुएशनस नूं लैके भी सानू गल समझांदे ने। गल जिहड़ी उह गुरमत दी है उहदे वास्ते उदाहरण जिहड़ा है ना हुण इत्थे असीं गल करने पिया जे असीं अंजन नूं स्टिक कर जाइए कि अंजन मीनस ज्ञान ओनली, क्योंकि गुरु कहिंदा वी ज्ञान अंजन गुरदिया, फिर जदों रब नूं निरअंजन कहांगे जे अंजन केवल ज्ञान है ते रब निरअंजन, जे रब निरअंजन होया ते रब ते ज्ञान लूणा हो गया उत्थे अस तो वड्डा असी की पाप करांगे असो उस तो वड्डे असी की माड़ा चल सकने हैं उत्थे जिहड़ा है ना उहदे अंदर कालक नहीं है। सो गल सन वी डोंट हैव टू कैच दी वर्ड, असी ओ कहिंदे तत् सार जिहड़ा कहिंदे कहिंदे ना भी सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार ते तत्ते सार ना जानी, इत्थे भी कुदरत ने वर्ड आया ते कुछ कई बार डिस्कस करी दा ब्रदर वर्ड नाल होंदे ने ते वर्ड हैज टू बी कॉन्टेक्चुअल किस परस्पेक्टिव विच ओह वर्ड आया है ना वो क्योंकि वर्ड किसी एक थां दे उत्ते आया होया असीं उहनूं हर थां उत्ते ढुका नहीं सकते, वो जिवें आया है जिस प्रसंग दे हिसाब नाल आया उहनूं जरूर ढुका सकते हैं। इत्थे कहिंदे ने ज्ञान अंजन पाए
गुर शब्दी ओ गुरु ओ ए अखां जिवें सूरमे दे नाल बाहर दीआं अखां तेज होंदीआं ने रोशनी वधदी है ते इसी तरीके दे नाल गुरु दे ज्ञान दे नाल तुहाडीआं जिहड़े सुरत वालीआं अखां ने ना उन्हां दा कह लो उन्हां दा नजरिया उन्हां दा भी फार साइटेडनेस उह सारा उन्हां दा वधदा है। ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदरी नदर मिलाएगा नदरी वह नदर का मालक नाम नामी नाम की दात जिदे को है वह नामी नदर की दात करन दी जो समर्था रखता है नदरी ओ मालक जो नदर का दा दाता है ओ अपनी नदर द्वारा तुहानु अपने आप नाल अपनी बख्शिश द्वारा तुहानु अपने आप नाल मिला लेगा। हाँ जी बीजी धन्यवाद भी जी गुरबाणी के उदाहरण दे के आप जी बड़ी खूबसूरती नाल समझाना कर दे। मन की जिहो जी अवस्था होती है ना असी उसी राह ते टुरन लग पैंदे आ ते साडा जीवन भी उसी मुताबिक बन जाता है। टुरते को टुरता मिले उड़ते को उड़ता जीवते को जीवत मिले मुए को मुँह नानक सौ साल आईए जिन कारण किया। तो जिहो जी मन की अवस्था होती है असी उस राह नूं पकड़ लैंदे आ ते ओवो जी ही प्राप्ति क्योंकि परमात्मा दे ही जा रहा जो असी जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे जो मंगी जांदे आ जे वो जी मन दी अवस्था है ओयो मंगदे आ ते परमात्मा ओयो झोली विच पाई जांदा। धन्यवाद आप जी दा जी। इकबाल वीर जी जी वाई खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। फतेह वीर जी सो जन साचा जे अंतर भाले सो जन ओ सेवक भगत जग्यासु साचा साचा की हुंदा जिहड़ा सच नाल जुड़ जांदा है। साचा विशेषण है जो सच नाल जुड़ जांदा है तां उहदी विशेषता यह बनती है कि वह साचा हो जांदा है ते साचे नूं ही रब नहीं मनिया जांदा। हाँ रब का विशेषण यह है कि वह साचा हो जाता जन का विशेषण है कि वह साचा हो जाता जदों वह शब्द न जुड़ता है। साचा एक विशेषण है सच का। सच कौन है साहिब साहिब परमात्मा परमेश्वर वह सच है सदा होंद वाला है। इस करके जो सो जन साचा जो सच समावे जिहड़ा सच में समाउंदा है उही सच साचा बन जाता है। गुण कै गुणी समावणे सो जन साचा जे अंतर भाले साचा वह बन जाता है जिहड़ा अपने अंदर वसदे परमात्मा नूं खोजदा है। खोजी उपजै बादी बिनसै जिहड़ा अपने अंदर गुणा भरपूर परमात्मा नूं खोजदा भालदा है लभदा है वह जुड़ के फिर साचा बन जाता क्योंकि अंदर बैठा परमात्मा जिहड़ा है वह सच है सतनाम है सदीव होंद वाला है सदा है। इस करके जिहड़ा गुण कै गुणी समावणे जिहड़ा साचे दे सच नाल समा जांदा है वह साचा बन जाता है ते जिहड़ा अंदर जुड़ के किमिक हो जाता है जी वह भी साचा बन जाता। सो जन साचा जे अंतर भाला गुर कै शब्द फिर जिहड़ा अंदर भालदा है उहदी जुगत की है गुर कै शब्द गुर कै शब्द गुर कै शब्द गुरबाणी बाणी ओ गुरु दे शब्द दे राही इकमिक हो जाता है उन्हें भालदा भी गुरु दे शब्द दे राही है। जदों जीव शब्द दे नाल जुड़ जाता है फिर की वापरता जी हर नदर न्याले हरी परमात्मा जिहड़ा हैगा जिहड़ा नदर दा मालक है नदर करन वाला करता है निहाले वह निहाल हो जाता है वह निहाल कर दिंदा है वह जीव नूं गुणा भरपूर नको नक भर दिंदा है सारे गुण बख्श दिंदा है। किनू जिहड़ा अंदर पालदा है
किहदे राहीं शब्द राहीं। जिहड़ा जन शब्द राहीं सच नूं अंदर भालदा है गुरु दे शब्द दे द्वारा परमात्मा नां ते नानक नदरी नदर निहाल ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼? ਦੀਵੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਦੀਵਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਦਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਝ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਤਮ ਮਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਵੇਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਮਲਾਇੰਦਾ। ਨਦਰੀ, ਨਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਨਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਦਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੋਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਪੰਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਰਤਕ ਜਿਹਦੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਜਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ। ਕਾਵਿ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਤਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਲਾਹ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਗੀਤ, ਗੁਣ, ਗਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ? ਅੱਖਰਾਂ ਚੋਂ। ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਰਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜੀਵ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ? ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ
बाबे नानक ने भी यही जिहड़ा शब्द है इस शब्द नूं लिया कित्थों अंतरात्मा गुरक, क्योंकि गुरबाणी जिहड़ा शब्द है ओ परमात्मा दी दृष्टि दे नाल जीव दे अंदर करण करावन हार स्वामी क्यों कहा जाए, क्योंकि करण ते कराउण वाला जीवां दे अंदर ज्ञान दा शब्द ज्ञान दा प्रकाश करके परमात्मा जिहड़ा कुदरत दे विच सारे कर्म कराउंदा है। आ जिहड़ियां काटां आ जां खोजां आ ये ज्ञान दा शब्द जदों अंतरात्मा दे विच मिलदा बनदा, ये फिजिकली नहीं आउंदा कल्ला ज्ञान, वे फिजिकली ज्ञान मिल जाता हैगा शब्द राही, पर जिहड़ी चेतन सतह हैगी आ मन जिहड़ा एक साडा मन चेतन सतह हुंदा, मन दे अंदर जिहड़ा फुरना फुरदा है वह फुरना चेतन सतह विच आउंदा, चेतन सतह ही मन नूं फुरना दिंदी है, तां ही जिहड़ा मन दा सदीव चेतन सतह च जुड़िया रहिंदा है। तो मन नूं जिहड़ी गाइडलाइन है, क्योंकि वह परमात्मा दी अंश है, जोत है, वह जोत सरूपी जिहड़ी हैगी आ ओ हर एक नूं ज्ञान प्रदान करती है। जदों जीव किते भी किसी भी गुरु की शरण पै के गुरु तो जिहड़ा ज्ञान प्राप्त करता वो अंतर आत्मे राही भी मिल जाता है, क्योंकि गुण तो अंदर ही हैं, वो अंदरों अंदर ही गुण जिहड़ा वो फिर प्रगट हो जाता है। कई गल्लां दा उदाहरण सानू अपने फिजिकल जां प्रैक्टिकली भी सानू चित चेते भी नहीं हुंदियां, वो गल्लां दा सोझी वो गल दी विवेक बुद्धि सानू मिल जांदी है, बैठिया बैठिया मिल जांदी है, पर सुरत साडी जुड़ी हुंदी है। जदों जीव सुरत जोड़दा उहनू गुरु दा ज्ञान अपने अंतर आत्मे दे विच्चों भी प्रगट हो जांदा है। ये तन दा ज्ञान जो शब्द है अखरीं ज्ञान गीत गूंगा, हुण जिहड़ा ज्ञान है ये शब्दां दे राहीं गुरु दे शब्द दा दित्ता होया ज्ञान ही जन नूं सेवक नूं भगत नूं जिहड़ा अंदर भालण दी गल कीती जांदी है वह अंदर ही ज्ञान मिलण वाली दी गल कीती जांदी है, वह शब्द दे राहीं गुरु दी सिक्ख्या उपदेश दे राहीं मिलना। इस करके जिहड़ा ज्ञान है वह साडा गुरु नहीं है, गुरु साडा शब्द है जिथों सानू ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है सूझ, सूझ जिहड़ी हैगी आ ओह शब्द दे राही गुरु दे राही दित्ती हुई सूझ सिक्ख्या उपदेश जिहड़ी सिख धारण करदा उहदे नाल ही उहदा पार उतारा हुंदा है। जी तन बड़ी बड़ी गल्लां दे नाल आप जी समझाना कर रहे हो, ज्ञान भी आपने कहा कि नेगेटिव भी होंदा ते पॉजिटिव भी होंदा, शब्द भी अक्षरां दे जोड़ नूं शब्द कहा जांदा, वह भी नेगेटिव ते पॉजिटिव हो सकते हैं, पर आप जी ने जेकर गुरु की बाणी के आधार से समझना करिए तो शब्द गुरु है, तो शब्द के नाल जुड़िया गुरु के मुख तो जो प्रगट हो शब्द उस दे नाल जुड़िया ज्ञान की प्राप्ति होंगी। आप जी ने बड़ी बारीकी समझाना किया, बड़ा बारीक विषय है, होर ज्यादा डिटेल मंगता है, जरूर इस बाबत होर खोज करके होर सांझ पाई जाएगी। धन्यवाद आप जी दा। जी पुआ जी, सो जन साचा जे अंतर पाले गुर के शब्द हर नदर निहाले, ओ दास ओ मन जदो एक दे नाल सांझ पा लैंदा है तो फिर अंतर उहदी अंदर दी एक जर्नी शुरू हो जाती है जिस दे विच वह खोजदा है प्रचोल करता है इंट्रोस्पेक्ट करता है, उसी गुरु दे शब्द दे राई उदे टेक्निक्स उस दे गुणा दे ही जदों जदों वह अंदर पड़दा जाता है तो उस दे ग्रेस उस दे मेर दे नाल ही वह ट्यून्ड हो जाता है, निहालना दा है कि वह ट्यून्ड हो गया। ज्ञान या अंजन पाए गुर शब्द की सुरमा पाया जाता है ताकि अखां दी रोशनी ठीक हो जाए, साडे मन दी जिहड़ियां अखां हैं सुत्तियां हुंदियां, हुण उस सुत्ते हुए मन दी अखां दे विच किहड़ा ज्ञान पाए गुर शब्द, उस इक दे विचारां दा उस दे ज्ञान दा उस दे गुणां दा जदों उस मन दे सुत्ते हुए अख विच पांदे हां, इट इज एक्चुअली अ वर्नैकुलर लैंग्वेज, यू कैन से इट इज अ प्रोडावाक आल्सो, कि जदों साडे उस मन दे
ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੇਸ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਮਨ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੂਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਇਹ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਖਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਉ ਮੰਗੋ ਤੁਝ ਹੈ ਦਿਆਲ, ਉਹ ਉਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰਜੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਆਖੇ। ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਸਾਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਆਖਦੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਸਾਚਾ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਖਸਮ ਹੈ, ਖਸਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੱਚ, ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌ ਨਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਖਸਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵਸਤ ਨਾ ਪਾਲ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਉਸਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਖੋਜ, ਉਹ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖੋਜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਚਾ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਤ, ਮਨ ਮਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਆਏਗੀ, ਇਹੀ ਸਾਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜੀ ਅੰਤਰ ਪਾਲੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਮਤ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੰਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਮਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰੋ ਪਾਲਣ ਕੋ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਨਾਮ ਨਾ ਲਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਰ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਵਸਤ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਪਾਲਣ ਕੋ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਨਾਮ ਨਾ ਲਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਦਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਨਦਰ ਦੇ ਰਣ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ
नदर नू हरी नू वो निहालन लग जाता है। गुरु का शब्द ही हर है, गुरु के शब्द नू ही कृपा आखते ने, गुरु का शब्द नू ही नज़र आखते ने। फर्क नहीं है, गुरु तो उसकी नज़र विच फर्क नहीं है। गुरु है बाणी, बाणी नू ही हरी आख्या गया, बाणी नू ही निरंकार आख्या और बाणी नू ही कृपा आख्या गया। असीं लैणी है सिर्फ जो शब्द विचों सानूं ज्ञान मिलता है उन्हूं सच का ज्ञान कहिंदे। असीं उह सच का ज्ञान लैणा है, उसनू सुनना है, उसनू मनना है, ते उसते उस सच के ज्ञान विच अपने कर्म लैके आने। जीव जीव हुकम तिवै तिवकार, गुरु दे शब्द रूपी कृपा रूपी हरी नू निहालन लग जाता। कौन जेड़ा सच्चा बन जाता, सच च समा जाता है। ये साडा ओह अवस्था बयान कर रहे ने जदों मन सच च लीन, भाव जदों साडे विचार सच्चे विचार हो जाते हैं। साडा गया जो सानू विवेक बुद्धि प्राप्त होंदी है वह सतगुरु वाली विवेक बुद्धि प्राप्त होंदी है। उस अवस्था च कहिंदे ने फिर की हुंदा, कहिंदे ने जेड़ा ओ साचा आके अंदर मन च वस जाता, वह सच्चे ख्याल सच्ची विचार सच का ज्ञान वस जाता है। उहदे नाल फिर ओ इसनू पिछे कह रहे हैं गुरबाणी चौकुंडी सुनी है, हर जगह ते उसनू नाम ही नाम सुनता है। अंदर वो नाम नू ही देखता है, वो नाम ही वरतांदा है। वो वरतान वाली तुक अगले तुक विच वरतान वाली अवस्था बयान कर। कहिंदे ने ज्ञान अंजन पाए गुरशब्द। देखो ज्ञान भी दो तरह का होंदा है, गुरु भी दो तरह का होंदा है। गुरबाणी आखदी है, गुरबाणी दे विच हुई गुरबाणी दे, देखो एक पहला तो आखदे ने कहिंदे ने ज्ञान अंजन गुरु दिया, अंजन ज्ञान नू ही आखदे ने। कहिंदे ने ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर बिना। अगे की कहिंदे, कहिंदे हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रकाश। ये मन दे विच प्रकाश की अवस्था है, ज्ञान अंजन मन नू मिलदा है, मन विच प्रकाश हुंदा है। कहिंदे ने अंजन हुंदा ज्ञान नू ही आख्या जांदा है। लेकिन जो हरविंदर वीर जी बोल रहे थे वह भी बड़ा वधिया, दोनों विच रमज है बड़ी प्यारी। ज्ञान अंजन ते रब है निरंजन, ये भी बिल्कुल सही है। गुरबाणी कहती है, कहिंदे ने बहुत ध्यान नाल कहिंदे तुसीं सच दा ज्ञान लैणा, लेकिन कहिंदे कहिंदे सानू विवरजित भी करदे ने, कहिंदे ज्ञान लैणा जरूर लेकिन लैणा गुरु दा सच दा। अदरवाइज पता की कहिंदे, कहिंदे ने गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो ना बाकी। गुरु तो इलावा होर किसे गुरु दा, जिसनू गुरबाणी कहती है काचे गुर ते मुकत ना हुआ। काचे गुर दे ज्ञान तो मुकत नहीं होगा, ज्ञान उत्थों भी मिलता है। दुनियावी जितने ग्रंथ ने जितने इतिहास दियां पुस्तकां ने इन्हां च भी ज्ञान भरिया होया, लेकिन गुरु का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान ही अंजन, अंजन ज्ञान ही होंदा है, लेकिन कच्चा ज्ञान नहीं, झूठा ज्ञान नहीं। जिहड़ा गुरु नूं कहिंदे ने ना वी रब परमात्मा नाम निरंजन, ऐसा नाम निरंजन होए, वह किहड़ा अंजन? इहदे विच कहिंदे कच्चे गुरुआं दा ज्ञान नहीं है, कच्चे गुरुआं दा अंजन नहीं है, इह उस तों निरंजन है। इन्हू कहिंदे ने सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी भी दो तरह की है, गुरबाणी आखदी एक सच्ची बाणी एक कच्ची बाणी, एक सच्चा ज्ञान एक कच्चा ज्ञान, एक सच्चा गुरु एक काचा गुरु। काचे गुरु ते मुक्त ना हुआ। ते झूठ कच्ची बाणी तो भी कहिंदे, कहिंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी। गुरु भी सच्चा हुंदा है कच्चा हुंदा है, बाणी भी सच्ची हुंदी है कच्ची हुंदी है, और सच ज्ञान भी सच का ज्ञान होंदा है और झूठ का ज्ञान कूड़ का ज्ञान भी होंदा है। लेकिन जो कहते ना निरंजन है, वो भाव झूठ दे ज्ञान रूपी अंजन तो निरंजन है, वह कच्चे गुरु वाले ज्ञान तो निरंजन है, वह कच्ची बाणी की विचारधारा तो निरंजन, वह कच्ची विचारधारा कच्ची बाणी की जिहड़ी जिहड़ा ज्ञान मिलता है उस अंजन तो निरंजन, वह ज्ञान नहीं मिलता। इत्थे देखो नाल दस रहे ने, कहिंदे ने ज्ञान अंजन किहड़ा पाया, गुरु के शब्दी वाला, गुरु शब्द रूपी ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सच्चे गुरु का ज्ञान, क्योंकि शब्द ही गुरु है, शब्द ही हरि है, ये वाला ज्ञान। ज्ञान हमेशा अंजन, गुरबाणी च ज्ञान नूं अंजन आख्या गया, और हमेशा साडी सुरती दी अखां अंजन पांदियां ने। लेकिन पहला इहदा अंजन किहड़ा हुंदा है, कच्चे गुरु का। जदों ये अंदर सच्चा बन जांदा है, सच का ज्ञान लै लैंदा है, उन्हूं कहिंदे ने ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, गुर शब्द दा ज्ञान दा अंजन। इन्हू कहें, देखो हरेक ज्ञान गुरबाणी नाम नहीं आखती, कहें
हरेक ज्ञान नूं नहीं कहिंदे ने ज्ञान गुर ज्ञान पदार्थ नाम उत्ते कल्ला इह नहीं कि ज्ञान पदार्थ नाम है ना कहिंदे ने गुर ज्ञान पदार्थ नाम है गुर ज्ञान साचा थान तीरथ कल्ले ज्ञान नूं तीरथ नहीं कहिंदे ने गुरु दे ज्ञान रूपी थान तीरथ है गुर ज्ञान साचा थान तीरथ गुर ज्ञान पदार्थ नाम है कला ज्ञान नाम नहीं है कला ज्ञान तो हरेक पुस्तक विचों मिल रहा जितने ग्रंथ ने सब विच ज्ञान भरिया हो बाणी भरी हुई है लेकिन वह कच्ची बाणी है कूड़ का ज्ञान है सच का ज्ञान नहीं है जदों अंदर वाला मन गुरु के शब्द तो ज्ञान लेंदा ना वह ज्ञान है गुर ज्ञान पदार्थ नाम है वो फिर की उन्हों की कहने कहने गुर ज्ञान साचा थान तीर उत्ते सदा दशहरा रहिंदा दस दस पूर्व सदा दशहरा उत्ते अंदर सदा ही दस पूर्व चलते रहते फिर कहते की होंदा देखो उपर वो नदर नू निहालदा सी गुरु कै शब्द रूपी हरी दी हरी नू ओदी बख्शिश नू निहाल लग जांदा सी कदों जदों साचा हुण अगे की कहंदे कहंदे नदर च मिलाएंदा नदर की है गुरु दी शब्द गुरु दा विचारधारा इसी नू गुरबाणी ने नदरी आख्या वै सच नू ही नदरी आखदे ने नानक नदरी नदर निहाल जो गुरबाणी सानू सिख्या देंदी है शब्द सानू जो सच दा ज्ञान देंदा है उसनू ही हुण सच दा ज्ञान नू नंदर नदरी कर सारिआं नू देखे इसनू कहंदे नानक हुक्म है अंदर वेखै जदों साडे अंदर असी हुक्म विच हुक्म नू मनन लग जन्या हुक्म जिन्नू कहंदे ने मन मेरे सतगुर कै पाणै चल जदों मन हुक्म नू पाणे नू अंदर मन के उहदे च चलण लग जांदा है ना इसनू कहंदे ने हुण अंदर पाणा हुक्म ना देखण लग गया अंदरली सारी सृष्टि इहनू कहंदे ने नानक हुक्म है अंदर वेखै क्योंकि अंदर पाल लिया सी अंदर वसदा है हुक्म अंदर उन्ने पाल लिया जे अंतर पाले उन्ने हुक्म अंदर पाल लिया हुण वह हुक्म अंदर वेख रहा है क्योंकि वह हुक्म रूपी प्रभ ने सूरदास मन प्रभ हथ लीनो हुक्म रूपी प्रभ ने इस मन मन का कंट्रोल अपने हथ लै लिया वह हुण हुक्म नदरी नदरी हुक्म नू कह रहे वह वेख रहा है हाँ हुण की कर रहा तीजे अगे नाल पहला तो मन उपर कहते ना अवस्था च निहाल निहाल हो रहा है देखते हूँ वह सारे अंदर बाकी जीवन जनता एक एक इंद्रिया रोम रोम भी उस नदर विच, उस सच जो ज्ञान इन प्राप्त होया वह जो ज्ञान विच मिला रहा है क्योंकि कला मन नहीं सी सुता होया माया दे विच कहते ने नैनो भी नींद प्रदिष्ट विकार श्रवण सोए सुन नींद विचार उन्होंने भी तो जगाना है ना पहला मन जागेगा फिर उन्होंने भी जगाना है नैनो नींद प्रदिष्ट विकास श्रवण सोई सुन नींद विचार रसना सोई लोभ मीठे साध वह भी सारे सुते हुए शरीर का एक एक अंग माया की नींद विच अपने थॉट प्रोसैस सुता होया है भैड़ी मत दे विच एक एक अंग सुता होया हुंदा है उसने विच जगाना है ये उस टाइम जगदा है जदों पहला आप सच की विचारधारा जदों मन लैंदा है फिर एक एक इंद्रे रोम इंद्रे नू भी वह अगे पास आउट करता है अगे शेयर करता है वो अगे उसनू देंदा है वो दात करे दातार वाली अवस्था उसना नू भी वो विचारधारा नाल मिलांदा है एक ये वाली अवस्था इत्थे दस रहे हैं सतगुरु ये सानू भरोसा दवांदे ने कहंदे जेड़ा भी अंदर जाएगा कहंदे बस शरीरों पालन बाहर कोई ना जाना क्योंकि उत्थे मिलेगा नहीं बहुत विगार पाएगी दुख पाओ शरीर विच पालन जेड़ा जाएगा उन्हू शरीर च मिल जाएगा अंदर पालन जरा जाएगा कहते ने सब किच कर मैं बाहर ना ही बाहर टोले सो भरम भुलाए अंदर जाइए अंदर मिल जाएगा कहते ने विश्वास रखो जिस कहने ये मन जैसा सेवे सच नू सेव लिया तो सच ही प्राप्त होएगा असी शब्द नू सच मन के शब्द नू सेवना है शब्द ही गुरु है शब्द ही परमात्मा है हरि है यही सच है असी इसनू पहला मनीए कहिंदे ने गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो असी इसनू पार ब्रह्म करके मनीए यही गुरु स्वरूप है रब स्वरूप है और कहिंदे ने फिर मिल भी जावांगे इस विचारधारा च असी मर्ज भी हो जावांगे सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माए समाना हो जाए विश्वास द्वारे ने सो जन साचा जी अंतर पाले अंदर पालना पा शरीर तो बाहर नहीं जाना शरीर दे विच ही वह रहिंदा है हर घट घट मैं हर जू बसै इसी नू कहंदे ने अंतर हर नाम शब्द सुहावा अंदर नाम है सोहना शब्द है इहनू ही कहंदे ने हर जू बस है ये असी समझना है गुरबाणी दीआं तुकां नू असी अपने हिसाब नाल ही
कोशिश करिए कि सिद्धांतां नूं सिद्धांत जदों समझ आ जाएंगे फिर तुकां दे अर्थ करने बहुत आसान हो जाएंगे। सिद्धांतां नूं अगे रख के जदों तुकां दे अर्थ करांगे बहुत आसान हो जाएगा, बड़ा आनंद भी बनेगा। हाँ जी जी वीर जी, धन्यवाद वीर जी, आप जी बड़ी बड़ी गल्लां करके समझांदे। वीर जी आप जी ने जिस मुताबिक निरंजन नूं आप जी ने समझाना कीता है, जे असी कहांगे कि परमात्मा दे कोल झूठ दा ज्ञान नहीं है फिर ते परमात्मा पूरा ना होया अधूरा रह गया। जिते गुरु साहब सानू सच दा समझांदे हन कि अमृत नाल जुड़ना है उत्थे जहर तो सुचेत भी करदे हन, जहर तो सुचेत तई कर रहे हन जदों जहर दा ज्ञान है, तईयों समझा रहे हन कि ऐ जहर है इस तो बचना है। जदों अमृत नाल कहंदे हन फिर समझांदे हन कि ऐ अमृत है, ते दोनों दी समझ है। जे मैनू किचड़ दी समझ नहीं होएगी ते फिर ते मैं किचड़ नूं भी अमृत समझ के खाई जावांगा, भोगी जावांगा, ते ओ भेद जिहड़ा है ओ थोड़ी बरीकी समझण दी लोड़ है। वीर जी विच सवाल भी पा रहे हन कि ज्ञान ते शब्द विच की फर्क है, उस बाबत भी तुसी बड़ा अच्छे तरीके नाल ज्ञान नूं समझाना कीता है, शब्द शब्द नूं समझाना कीता है। धन्यवाद आप जी दा। बेनती करना चाहुंदा जेकर असी ज्ञान नूं समझ लईए ते गल काफी हद तक सानू क्लियर होने लग पेगी। ज्ञान केवल अखरी ज्ञान नूं असी ज्ञान समझदे हां, पर गुरु साहब जिहड़ा ज्ञान बाबत सानू जोड़ना करदे हन ओह ज्ञान जिहड़ा है तत् ज्ञान है जो अखरां नूं जीवियां प्राप्त होंदा। जब तक असी उन अखरां नूं जिंदगी विच नहीं ढालांगे जो गुरु साहब अखर दे रहे हैं तद तक सानू तत् ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और गुरु साहब ने बख्शिश करके असी शब्द केवल ते केवल शब्द जिहड़े अखरां विच लिखे गए उन्हूं शब्द समझ लैंदे हां। शब्द आवाज है, शब्द धुनी है, शब्द गुरु दे मुख तो निकले हुए बोलन, उस बरीकी नूं समझिए ते ज्ञान और शब्द दे विच बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों फर्क होंदे हुए भी बिल्कुल एक हन। और बार बार वीर जी भी थोड़ा जा विच सवाल पा रहे हैं, लिखित रूप विच सवाल पा रहे हैं, और संगत भी कई बारी सवाल पाती है कि कन्फ्यूजन हो रही है। मैं एक बेनती करना चाह रहा सारी संगत को हाथ जोड़ के बेनती है, असी ध्यान दईए ना सिद्ध गोश बाणी कुछ महीनिया पहले असी पढ़ के आए हैं, उत्ते सिद्धां दे सवाल हन ते गुरु नानक साहब जवाब दे रहे हैं। सिद्धां दे सवाल भी कोई छोटे सवाल नहीं सन, सिद्ध भी जेड़े सी किसी की उम्र 200 साल, 150 साल, 250 साल, 500 साल लिखी गई है। खैर मैं उस विस्तार विच नहीं जाना चाहुंदा, सिर्फ मैं एक बेनती करना चाहुंदा कि बड़ी उच्च कोटि दे सवाल सन ते बड़ी उच्च कोटि दे जवाब सन, ते उस जवाबां विचों इंज समझिए कि परमात्मा ने आप सिद्धां कोलों सवाल पुछवाए, एक खेड रची है ते गुरु नानक साहब दे मुख तो साडे उत्ते बख्शिश करके वो जवाब दिते हैं। बस असी सारे सिख्यार्थी बन के सीखने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर हरविंदर वीर जी कोई सवाल कर रहे हैं या सुखविंदर वीर जी कोई सवाल कर रहे हैं या हरविंदर वीर जी जवाब दे रहे हैं, इकबाल वीर जी जवाब दे रहे हैं, सुखविंदर वीर जी जवाब दे रहे हैं, तो बड़ी उच्च कोटि के सवाल हैं ते बड़े उच्च कोटि के जवाब हैं। असी सारे सिख्यार्थी बन के नाल दे नाल सीखना भी चाह रहे हैं। जे असी इनू इस कॉन्टेक्स्ट विच लवांगे ते असी सिख पावांगे, क्योंकि इन्ने उच्चे लैवल दे सवाल और इन्ने उच्चे लैवल दे जवाब सानू इन्ने सौखे, जो जवाब दे रहा वह भी बहुत वड्डा खोजी है, जो सवाल कर रहा उसकी भी खोज घट नहीं है, उसकी भी बहुत वड्डी खोज है, ते वह खोज असी सारे रल मिल के एक दूजे नाल सांझ कर रहे हैं। साडे सारयां नू उन सवालों तो भी उन जवाबां तो भी सानू सीखन नू मिल रहा। असी अगर इस मुताबिक विचारां नू सुनिए कि अज कुछ ना कुछ सीख के जाना है, सवालां तो भी सीखना है जवाबां तो भी सीखना है, ते साडे सारयां नू लाहा प्राप्त होएगा। अगर असी किंतु परंतु करते रहांगे कि यह गल ते दलिया बन गई या यह गल ठीक नहीं है, ते मैनू लगता है कि असी किधरे ना किधरे असी गुरबाणी नू भी किधरे ना किधरे या जो मैं आज तक सीख लिया ओयो ठीक है। जिस दिन मनुख दे मन दी अवस्था बन जाती है ना कि मैं जो सीख लिया ओ ठीक है, उस दिन उसकी सिक्ख्या बंद हो जाती है,
जिन्ना उन्हें सिखिया उस तो घट दे सकती है उस तो वध नहीं सकती। ते मन दी वो अवस्था लेके आई है दरवाजा सीखण वाला दरवाजा खोल के रखी है सीखण वाली खिड़की खोल के रखी है कि होर ते होर ज्ञान बेअंत है परमात्मा बेअंत है। सो अजान कहे मैं जानिया जे असी यह कहांगे कि मैं जान लिया ते फिर मेरे तो वड्डा अनजान कोई नहीं है। ते जदों तक सीखण वाली अवस्था असी बना के रखांगे ते सिखदे रहांगे सिखाण वाली रखांगे ते जो सिखिया शायद किधरे उधर भी ना सी भुल जाइए। हाँ आओ एक शब्द का पाठ और कर लिया जी। वड़े भाग ऐ शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्दे सब अंध अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएंदा। वड़े भाग ऐ शरीर पाया तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संग कीर्तन गाइए नानक नाम आधार हियो। तन सो मानस देही पाई प्रभ अपने मेल लियो बख्शिशे समझ लिये तेनु वड्डे भाग ए शरीर पाया वड्डे भाग। देखो इन अगर इस कॉन्टेक्स्ट विच भी समझ लीए ना अगली पंक्ति नु समझ लीए फिर इस पंक्ति नु भी समझन दी दोबारा चेष्टा कर दिया। मानस जन्म शब्द चित लाया मानस जन्म ते सारिआं नु ही प्राप्त होया मानस जन्म ते साडे सारिआं नु ही प्राप्त होया होया कहिंदे मानस जन्म तइयो तू पाया समझ जे शब्द विच चित जोड़ लिया। मानस जन्म शब्द चित लाया गुर सेवा ते भगत कमाई तब ऐ मानुख देही पाई। असी सोचते हैं गुर सेवा ते पहला भगती कमाई ता सानू ऐ देही मिली। गुरु साहब इनू अगर दूजे तरीके नाल समझना करिए ना जे गुर सेवा ते भगत कमाई जे गुर सेवा ते भगती इस देही विच आके कर ली ता समझ तेनू मानुख देही प्राप्त हुई है ता असी मनुख बने हाँ नहीं तो यह मनुखा देही का प्राप्त होता सानू लाहा नहीं लिता साड़ी देही मनुखा दिए असी जूना ना जाने केड़ियां केड़ियां भुगतते रहते हैं। अगर गुर सेवा ते भगत कमाई अगर मनुखा देही विच शब्द नाल जुड़ बैठे हाँ तो समझिए कि सानू मनुखा देही प्राप्त हुई है जे सच नाल जुड़ बैठे हाँ तो मनुख देही प्राप्त हुई है। जेकर इस कॉन्टेक्स्ट विच असी इस शब्द नू समझिए ते पॉजिटिव वे विच असी इस देही दा लाहा लै सकदे हां कि इह देही घोड़ा प्राप्त होया घोड़े नाल सफर केड़ा करना है। वड्डे भाग है शरीर पाया जदों सच दी राह टुर पे ते वड्डे भाग जाग पे नहीं ते ओ शरीर भी हन जिहड़े हर वेले ठेके ते बैठे रहिंदे ने जुए खाने ते बैठे रहिंदे या इंज समझना करिए मनुख देही ते उहनां नूं भी प्राप्त होई है। जे उन्हां नूं भी मानुक देही प्राप्त होई है ते जपन वालियां नूं भी मानुक देही प्राप्त होई है पर वड्डे भाग किते होए जिन्ने सच नाल जुड़ के सच दी कमाई कर ली। वड्डे भाग ऐ शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्दे सब अंध अंधेरा कहिंदे शब्द तो बिना फिर अज्ञानता दा अंधेरा ही है। गुरु दे शब्द नाल नहीं जुड़ना किता ते सब अंध अंधेरा अज्ञानता दे अंधेरे विच अज्ञानता दे अंधेरे विच केवल ठोकरा ही खा रहा गुरमुख किसे बुझाएंदा कहिंदे गुरु दे बोलां दे राही ऐ अज्ञानता दा अंधेरा किसी नूं विरले नूं ही बुझाउंदा है किसी विरले नूं ही ऐ सच दे ज्ञान दी प्राप्ति होंदी है। गुरमुख किसे बुझाएंदा किसी विरले नूं सच दे ज्ञान दी प्राप्ति होंदी जी। जी अरविंद भी जी वड्डे भाग ए जिहड़ा मनुखा देही दी जिहड़ी गल चलदी मैं कहिंदे भी ओ 184 जोन सबाई मानस को प्रभ दी वड्याई इस पौड़ी ते जो नर चूक है
आए जाए दुख पाएं दा दुर्लभ दे पाई वडभागी। तेरी बड़ी अच्छी किस्मत सी, तेरी जो मेहनत मशक्कत सी जो भी सी, कहिंदा दुर्लभ दे पाई वडभागी, नाम ना जपै से आत्म घाती। वो अपनी आत्मा का अपने जमीर का जिहड़ा है ना वह खून कर देंदे ने, आत्मा नूं अपनी मार देंदे ने। वो ने कहो नानक सुन रहे मना दुर्लभ मानुख दे। वो ये एक कई कई चीज़ा होंगे ना बड़े औखे मिलदियां ने, बई कोई मौका मिल जाए, सीरियल चलता वो कौन बनेगा करोड़पति, हुण उहदे हर बंदा नहीं जा सकता, बंदा भावें चाहवे मैं जाना, लेकिन बंदा उत्थे भी उत्थे जाके बंदा कहे तो उत्थे जाके पहले सवाल विच आउट हो जाए, बंदा कहे इतना अच्छा मौका मिलिया सी दिंदे जाण दा, घट्टो घट इतना तो कर ही सकता सी ना, पहले दो चार दस सवाल बड़े सौखे होंदे ने, उतना तो कर ही लेना सी। वो कहिंदे ने कहिंदे सफल होत ए दुर्लभ देही जां को सतगुर मया करे। तेरा यह मिलिया हुआ जिहड़ा अपॉर्चुनिटी है ना मनुखा जन्म की, यह केवल गुरु नू मिल के ही सफल हो सकती। कहिंदे भी कहिंदे मानस जन्म शब्द चित लाया, जिहड़ा सतबीर जी कहिंदे बिल्कुल ठीक गल, जे अदरवाइज तू तू अदरवाइज है की, कहिंदे तू करतूत पशु की मानस जात, तेनू मिलिया तू समझ तू है अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल मिलनी है तेनू, कहिंदा लेकिन जे वो जे तू अंदर फिर भी बंदे वाले काम किया कर, बंदे नू ही कहने ना बंदे वाले काम किया कर, ते तू ए इतनी इतनी बेशकीमती अपॉर्चुनिटी मिल के भी कहना कहना तेन मानस जन्म मिलिया ता ही समझी, जे शब्द विच चित लगा के तेरे कारज होंदे पैने, ते जे शब्द की अगवाई विच कारज नहीं हो रहे, मिली तो तेनू है शरीर तो तेरा जड़ा है ना, लेकिन तेरिया करतूतां जिहड़ियां ने ना वो करतूत पशु की, उदों तू इस मिली हुई अपॉर्चुनिटी नूं तू पूरा उन्हों कैश नहीं कर पा रहा, जो पूरा दा यूज नहीं कर पा रहा। मानस जन्म तां ही समझी कि मिले कि भाई तेरा सफल कह लो कि जो तू शब्द नाल चित लाया है, कहना बिन शब्द सब अंध अंधेरा। शरीर ते मिल गया लेकिन जे गुरु का शब्द ना मिलिया, कहना बिन शब्द ते अंतर अनेरा। कहने जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। गुरु कड़े अंधेरा प्रकाश कड़े, अस कहने प्रकाश कह लो, प्रकाश इज एनलाइटनमेंट कह लो। सवाल से भी प्रकाश करना चाहिए गुरु ग्रंथ साहब का, कर प्रकाश करन दे आखरी अर्थ की करांगे, अस किसी चीज की एनलाइटनमेंट कर देनी। और गुरु जो बाहर की रोशनी ना वो, क्योंकि गुरु तो कहना जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, जे हजार सूरज भी चढ़ पैन ओदी रोशनी भी, गुरु कह रहे कि ओदी रोशनी भी तेरे जिंदगी विचों अज्ञानता दा नेरा दूर नहीं कर सकती। सूरज चढ़े हजार इतने चानन होंदे आ, ल्यूमिनस वाली लाइट तो बहुत है, ब्राइटनेस तो बहुत है, लेकिन वो गुरमत का प्रकाश जो कहते बिन शब्द अंतर अनेरा, ना वस्त लह ना चूके फेरा। तेरा घड़ी घड़ी जो तू विकारा में पै के घड़ी घड़ी जमदा मरता रहना ना, वो तेरा मुक्न वाला नहीं शब्द तो बिना। कहते बिन शब्द सब अंध देर, असी की करी जाने पे तो गुरु शब्द की अगवाई में ना होने कारण तीर्थां ते जाओ नंगे पैरी जाओ, बे वो गिनती मिनती के पाठ कर लिते, अभी सारा जो ना वो सारा उस चाल में पे हो, फिर बहुत भरमा में पे हाँ, छापा पा लो, क्योंकि शब्द की अगवाई साढ़े जीवन में है नहीं। तेनू शब्द की अगवाई तो बिना तेनू सही रस्ता जोड़ा है ना, बंदा ठेडे खाता, बंदा तो अपने घर में जी कई बार जो लाइट ना हो ना, जितने सानू असी इतने साल रहने पे हाँ, उसके सामने टेबल आ जाए नवी जगह तो कोई नवे सिद्धांत आते तो पता ही कितों लगेगा, कोई चीज़ ठेडा लग गई बंदा गिर सकता होंगे। कहते बिन शब्द शब्द तो बिना तेरे अंदर अज्ञानता का नेरा बनया रहेगा। फिर अच्छा गुरु कहते ने भी यह ज्ञान आएगा किवें, कहते गुरमुख हो, गुरमत की सारी दौड़ भज जी है ना वो है नाम की, नाम मिलेगा गुरु को लैना पेगा तेनों गुरु का अनुयायी बन के, तेनों गुरमुख बन के जो गुर कह सोई पल मानो। कहते हर हर कथा निराली, गुरु के सिद्धांत वखरे ने, गुरु को कहते भगतों ते ऐसे सारिया जोड़ ना आया, जोड़ कदे ना आया। ते गुरु अपनी कहते मन की मत त्यागो, गुरु कहते भी कहते यह बात कठे नहीं, मन की मत त्यागो हरजन यह बात कठे नहीं, लेकिन गुरु कहते नहीं तू अपने मन की सब छड़ दे,
गुरमुख हो जा। गुरु का कहना ना भी जो गुर कहे सो ही पल मन, उस पासे टुर पे। कहिंदा जिहड़ा बंदा गुरमुख हो जांदा है ना, ऐसे किसी विरले बंदे नूं गुरु अपने शब्द की सोजी जिहड़ा है ना वो बख्श दिंदा है, सही जीवन जा जिहड़ा है ना, ताकि वह अपना जिहड़ा मिलिया होया अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन्हों फ्रूटीफाई कर ले, उन्हों एनकैश कर सके। हाँ जी धन्यवाद वीर जी। जी एक बार वीर जी जी बड़े भाग यह शरीर पाया, मानस जन्म गुलांदा होत ना बारंबार। यह जिहड़ा मनुखा शरीर मिलिया जिहदे विच बूझ सूझ अकल यह सारी भरी हुई, नको नक भरी हुई है। इस मनुखा शरीर नूं ही सरदारी है, इस करके ये जिहड़ा शरीर मिलदा उहदे वड्डे भाग है। वड्डे भाग यह शरीर पाया, भई प्राप्त मानुख देहुरी है। करना की है शरीर ना गोबिंद मिलन की है तेरी, इस शरीर दे राही गोबिंद दे नाल एक मिक होने का जिहड़ा है युगत है वो पूरी होनी है। वड्डे भाग यह शरीर पाया, प्राप्त हुंदा है मानस जन्म शब्द चित लाया। मानस जन्म मनुखा जन्म, होर भी जीव दे जन्म हन, पर शरीर का जरा जन्म है ये शरीर दे जन्म दे राही ही जिहड़ा जीव है शब्द चित लाया, शब्द दे नाल अपना चित नूं जोड़ सकता है। जिस मनुखा शरीर ने शब्द नाल चित जोड़ लिया है एक मिकता कर ली है, उहदा जिहड़ा इह शरीर है वड्डे भागां वाला बन जांदा है। बिन शब्द सब अंध अंधेरा, क्योंकि शब्द तो बिना खूही है अनेरा ही है, ठोकरा ही हन। गुरमुख पर जिहड़ा गुरु की शरण पै जांदा है किसी बुझाएं दा, वो किसी विरले नूं ये सोझी पै जांदी है कि जिहड़ा शब्द है वो ज्ञान वंडदा है, सोझी दिंदा है, विवेक दिंदा है। इसलिए शब्द तो बिना जिहड़ा अंधेरा ही अंधेरा वो मनुखता नूं धरातल निमाण वल्लां विकारां विच छिट सकदा है। इस करके गुरु की शरण पै के ही जिहड़ा जीव है वो ये बुझ जाता है कि शब्द नाल ही पार उतारा, तो शब्द तो बिना जिहड़ा है सब अंध ही हन, अंध है। ये गुरु की शरण पै ही जीव नूं सोझी मिल जाती है। धन्यवाद वीर जी, आप शब्द के आधार से बड़ी बारीकी नूं समझांदे हो, धन्यवाद आप जी दा। जी पुआ जी। हाँ जी, अखीरे तो कहने बिन शब्द सब अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएगा। ओ मन जिसने गुरु दे मुंह तो गल सुन के सिख्या लै के विचारा नु लै के उदे गुणा नु लै के ओ बुझ जांदा है। ही अंडरस्टैंड्स कि जरा मेरा मन पहले जरा सी ओ पशुआ वाला बिरथी सी, अंधेरे विच पटक रहा सी, ठोकरा खा रहा सी, क्योंकि ओ शब्द उस एक तो टुटिया होया सी। पर हुण उसका मन वह कह रहा है कि वह हुण बटभागी हो गया, क्योंकि उसका जरा मन है हुण उस शब्द दे नाल चित ला के उस एक दे नाल उदे गुणा दे उदे विचारा उदे कंसेप्ट दे नाल इंट्यून्ड हो के, तो जरा बिरथी सी जो पशुआं वाला सी हुण इंसानियत विच, मानस जन्म है वह मन जिहड़े हुण इंसानियत विच आ चुके है, ह्यूमैनिटी। हाँ जी धन्यवाद जी। वेरी बिल्कुल छोटे उस दे विच आप जी ने बड़ी खूबसूरत गल कीती कि मन जिहड़ा है पशु बिरती तो मनुख बिरती विच आ गया। जिहो जी मन दी अवस्था हुंदी है ओहीओ बुद्ध ते प्रभाव पा के ओहीओ कार विहार करदा रहिंदा है, ते मन जदों पशु बिरती तो मनुखा बिरती विच आ जाए ते मनुखा वाले कार करन लग पैंदा। धन्यवाद आप जी दा। जी सुखिंदर वीर जी। हाँ जी वीर जी, देखो जिस कॉन्टेक्स्ट विच ये शब्द चल रहे हैं ना, सतगुरु जी जिस तरह सानू बांह फड़ के नाल नाल सानू ले जा रहे ने ना, वो जो सानू समझाना चाहते ने ना उन्हां दे वास्ते लफ्ज़ अलग अलग यूज करते हैं।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜੇ ਅੰਤਰ ਭਾਲੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ, ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਭਾਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਵੱਡਭਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏਗਾ ਇਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਲ ਪਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਲ ਪਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਿਆ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਹਰੀ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਹਰੀ ਦੀ ਨਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ 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 ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁੱਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਧੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸੇਵਾ, ਭੱਜ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਤ, ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਕਰ, ਭਾਵ ਗੁਰਮਤ ਲਿਆ ਕਰ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਸੇ ਉਹੀ ਕੋਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮੰਮੇ ਮੰਮੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਦਾਸ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਲੀਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨੋ ਇਹ ਪਰਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਣ ਦੇਂਦਾ ਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਨਸ ਚੰਮ ਪਲੇਟਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਨਸ ਚੰਮ ਪਲੇਟਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਦੇਖੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੱਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ
मन सहज पया हर चौथड़ी लाव, मन सहज पया हर पाया वल राम जी, हर पाया वो प्राप्त हो गया, पूरे शरीर से कंट्रोल हो जाता है सच का, सच दे ज्ञान का, यह अवस्था बयान कर रहे हैं। पहले कहते लेकिन यह आया कितों, देखो देखो सतगुरु सानू दस रहे ने जदों असी सतगुरु के दर से आए सी साडी अवस्था देखो की सी, कहंदे सी बिन शब्द है सब अंध अंधेरा, उसे नू कहने ने सुन मन अंधे कुत्ते कुड़े, उदों मन अंधा सी ते हर एक इंद्रा अंधा सी, की कहना अंधे अंधे की कहने ज्ञान दे विच फसया है, बिन शब्द दे, बिन शब्द तो इलावा होर जड़ा ज्ञान सी उन्हां विच जी रहे सन, वो अंध सी, कहंदे ने गुर बिन कोर अंधा, गुरु दी सिख्यावां तो बिना अंधेरा ही अंधेरा सी साडी जिंदगी, असी ठोडा खा रहे सन, पल पल असी विकारां दे हत्थों मरदे जा रहे सन, ये अवस्था इथों दे सतगुरु जी कित्थे लैके आ रहे ने, कहंदे ने ये शरीर पाया, पूरे शरीर ते कंट्रोल, देखो आपां कई बार गल करदे आ ना वी बाहरली सृष्टि बिल्कुल रब जी दे कंट्रोल विच हुक्मां विच चल रही है, रब्बी हुक्मां विच वो बिल्कुल चल रही है, लेकिन साडा शरीर रब्बी हुक्मां विच नहीं सी चल रहा, रब्बी हुक्मां ने साडे शरीर ते कंट्रोल नहीं प्राप्त किया होया, साडे शरीर नूं पाया नहीं सी, इसे नूं कहंदे ने मन नूं जित्या नहीं सी, जदों मन ने आप अपने आप नूं सतगुरु जी दे अगे शरण च गया, खाली पांडा होके खाली करके मन की मत त्याग के वो बड़ा औखा काम करके चले गया, फिर सतगुरु जी ने ना बस औखा काम किया, अपना पांडा खाली किया, सतगुरु जी दे बख्शी ऑलरेडी पहले ही पै गई, उहदी पूरी बॉडी ते साडी पूरी बॉडी ते सच दा कंट्रोल हो जांदा है, सच साडी बॉडी नूं प्राप्त कर लैंदा, इह उह कहिंदे ने वड्डा पाग इह शरीर पाया पाव, इह जिहड़ा शरीर है ना उस मतलब कि सच साडे शरीर का मालक बन जाता है, जिसनों कहते हैं ना खसम हुण ज्ञान राव जब सेजा आए तो नानक भोगकरी, हुण जिहड़ा ज्ञान राव साडा सच रूपी खसम है साडे पूरे शरीर नूं भोगदा है, भाव उहदे आखे च ही सारा शरीर चलता है, जो वह आखदा है उही हो रहा हुंदा है, वह भोगी इसी नूं कहते हैं जोगी अंदर जोगी आ, तू भोगी अंदर भोगी आ, तेरा अंत ना पाया, मन जोगी मन बिन सबयोगी, मन समझ है गुण गाई, जदों वह ज्ञान राव सेज आता ना फिर वह सारे शरीर नूं भोग करता है, पाव सारा शरीर नूं प्राप्त कर लैंदा है, दुनियावी तौर पर भी असीं इस तरह गल करते हैं ना कि हसबेंड वाइफ जदों उन्हां दी मैरिज होंदी है वह एक दूजे के शरीर नूं प्राप्त कर लेंगे, असीं गल्लां विच ऐवें करदे नहीं, वह उन्होंने दोनों एक दूजे का शरीर प्राप्त, इसी तरह ज्ञान राव जब सेज आए तो मन का जिहड़ा शरीर है ना वह ज्ञान राव जी नूं प्राप्त हो जाता, सच नूं प्राप्त, सच साडे शरीर दे हुण एक एक इंद्रे नूं अपनी विजडम दे के उन्हूं कहिंदे ने गुरु दे मुख तों निकल, जिस देखो गुरु दे मुख दे खखे नूं भी सिहारी है ते उपर शब्द दे दद्दे नूं भी सिहारी है, गुरु दे मुख तों की निकलदा शब्द, इक्को ही गल च आख रहे ने उह की कहिंदे ने शब्द नूं बुझा दिंदा है, लेकिन किहड़ा सी जिहड़ा अंध अंधेरा विच सी जिहड़ा आ जांदा है सतगुरु दी शरण, सतगुरु आयो शरण तुहारी, जिहड़ा सतगुरु की शरण च आके टै पैंदा ते आके कहिंदा हम अवगुण पर एक गुण नाही, उहनूं इह चीज़ बुझ जांदी है, इहनूं कहिंदे नानक हुक्म है जे बुझै, हुक्म नूं बुझा के हुक्म रजाई चलना शुरू हो जांदा है, पूरी बॉडी ते कंट्रोल हुक्म दा हो जांदा है, फिर की हुंदा जीव जीव हुक्म तिवै तिवकार, सट सच खंड वाली अवस्था बयान हो जांदी। हांजी धन्नवाद वीर जी, किस तरह मन दे विचों इंज कहीए मैल निकल जाए जांदी है ते सच वस जांदा ते सारे ही कंट्रोल जिहड़ा है मन नूं परमात्मा दा ही कंट्रोल विच शरीर आ गया, परमात्मा दे कईआं कहे हुए बोलां दे मुताबिक शरीर कार विहार करन लग पए, ते मानुक देही दा इहो एम कह लिया, इहो एम इहो मनोरथ है, बड़ी खूबसूरती नाल आप जी ने समझाना कीता, धन्नवाद आप जी दा, दो पद्यां दा अज पाठ होया, आओ रल मिल के दो पद्यां दा पाठ कर लिए, फिर पाठ सेशन दी समाप्ति है, फिर सवाल जवाब होने, प्रभदीप वीर जी कोई सवाल होने ते ले लिया जाए। सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर कै शब्द हर नदर निहाले, ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदरी नदर मिलाइंदा वड़े पाग, ए शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया, बिन शब्द है सब अंध अंधेरा, गुरमुख किसे बुझाएंदा, बिन शब्द है
सब अंध अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएंदा। बेअंत भुलां दी किमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी प्रदीप जी कोई सवाल है ते ले लिया जी। सर दे विच आई थिंक पेंडिंग क्वेश्चंस ते तजिंदर जी कोल होंगे ते आज जो साडे नाल हैगे ने जी किसी दा सवाल ते पार्टिसिपेंट हां कोई पूछना चाहे ते सवाल पूछ सकते मैं दी ऑडियो ऑन कर देंगे जी। नहीं ते आज ज्ञान ते शब्द बारे थोड़ी जी डिस्कशन और कर लिए सुखिंदर जी थोड़ा क्योंकि बारीक विषय है। सुखिंदर जी थोड़ा जा ज्ञान ते शब्द बाबत थोड़े जा विचार थोड़ा जा होर खोल के समझा दो कि दोनों वक हन या बहुत बारीक जो फर्क है। फिर अरविंदर वीर जी भी विचार दे देने इस बाबत। विजी गुरु बाणी दे विच ना शब्द नूं देखो शब्द नूं पुछदे आ आपां पहला गल शुरू करदे आ सत तों। गुरबाणी नूं पुछदे आ गुरबाणी सतगुरु जी, सतगुरु जी किस नूं आखदे हो कि तुसीं? कहिंदे ने सतगुर बचन, बचन है सतगुरु। सतगुरु कौन है? कहिंदे सतगुरु जी दे बचन ही सतगुरु है। सतगुरु जी दे बचना नूं ही सतगुरु दे बचना नूं ही शब्द आखिया जांदा। सतगुरु जी दे सतगुरु इज इक्वल टू सतगुरु जी दे बचन इज इक्वल टू शब्द इज इक्वल टू बाणी इज इक्वल टू सच। ये सारे इको ही भाव अर्था विच आ रहे ने। ज्ञान देखो ज्ञान लफज है ना जिहड़ा कल अगर असीं कल्ला ज्ञान लफज यूज करांगे वो गुरु नहीं है वो साडा नाम नहीं है। कला ज्ञान एक सिर्फ अगर असी करांगे ना सिर्फ ज्ञान करांगे साडा गुरु ज्ञान नहीं है साडा गुरु नाम नहीं। हाँ लेकिन अगे साडा सच दा ज्ञान साडा गुरु है गुरु दा ज्ञान साडा गुरु है गुरु दा ज्ञान साडा नाम है। कला ज्ञान नहीं कले ज्ञान नू गुरबाणी ने गुरु नहीं आख्या क्योंकि कहंदे ने गुर बिन ज्ञान जिस ज्ञान दे विच गुरु दे दसे हुए उपदेश नहीं हन ना वह ज्ञान साडा गुरु नहीं। गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान कहिंदा ध्यान लगाए जो अगर धर्म तो बिना धर्म की है सच धर्म नाम धर्म सब कल उदरी एक नाम धर्म उस कहिंदे ते ध्यान लाना बहुत चंगी गल है लेकिन धर्म तो बिन सच रूपी धर्म तो बिना ध्यान लगाना कहिंदे ने इस तरह है सच बिन साखी मूलो ना बाकी समझ ले कहिंदे ने मूल ही नहीं है उस चीज। ज्ञान नूं असीं समझिए एक लफज है ज्ञान एक लफज है गुरु ज्ञान। गुरबाणी विच जदों भी सतगुरु जी की गल की है उदों कहिंदे ने गुर ज्ञान साचा थान तीरथ फिर कहिंदे ने गुर ज्ञान पदार्थ नाम है। ज्ञान सब जिक जिहड़ा लफज ज्ञान है वह तो बाहरों भी सानू मिल रहा है। ज्ञान नूं असीं सिंपल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं इंफॉर्मेशन तो हर जगह तो हर टाइम मिल रही है टीवी तो मिल रही है मैगजीन्स तो मिल रही है इन्ने सारे ग्रंथ ने दुनिया के उन्होंने तो ज्ञान इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है ज्ञान। लेकिन सतगुरु सानू कहंदे ने बाणी नू ही कहंदे ने शब्द आखदे ने बाणी दे विचों की मिलदा सानू। अच्छा देखो असी कहंदे हाँ कि गुरु नाम दिंदा है लेकिन गुरबाणी कहंदी है गुरबाणी हर नाम समाया गुरबाणी विच नाम ही है गुरबाणी दा स्वरूप ही नाम है गुरबाणी विच नाम समाया होया है गुरबाणी ते नाम दे विच कोई फर्क ही नहीं। जे असी कहीए समुंदर तो सानू पानी प्राप्त हुंदा है जे असी कहीए समुंदर तो पानी प्राप्त हुंदा है समुंदर ते पानी दे विच कोई फर्क ही नहीं है लेकिन दोनों गल्लां सही लग रहियां ने। हाँ समुंदर दे कोल जावांगे सानू पानी प्राप्त होएगा समुंदर चो समुंदर तो जल मिलदा है सानू दरिया दे कोल जावांगे दरिया सानू जल दिंदा है। हुण दरिया जल दिंदा है कि दरिया ते जल दरिया जल दा ही स्वरूप है उहदा नाम है दरिया जल दे इकट्ठ नूं ही दरिया आखदे ने बहुत सारा बेअंत जल दे इकट्ठ नूं समुंदर आखदे ने। सच दे ज्ञान नूं ही गुरु आखदे ने उहदा नाम है गुरु उसनूं चाहे तुसीं सच दा ज्ञान आख लो सच आख लो नाम आख लो बाणी आख लो ज्ञान नहीं दिंदा गुरु दे विच ही ज्ञान ते नाम समाया होया एको ही है दोनों। कहिंदे ने गुरबाणी हर नाम समाया गुरबाणी सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनीए
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਆਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਓਨਲੀ ਗਿਆਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੁਰੂ। ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਉਹ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਇਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬਈ ਕਵਨ ਆਰੰਭ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਰੀਕ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿੱਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਣਾ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਵਰਡਸ, ਸੋ ਫਾਰ ਐਸ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼। ਬੰਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਕਹੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੇਦ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
झूठ और सच दी विच फर्क समझा दिता है। सच दी जिहड़ी नॉलेज गुरु तो प्राप्त हुई है, सच दा जिहड़ा ज्ञान गुरु तो प्राप्त होया है, ओह ज्ञान दे उत्ते टुरियां उस ज्ञान नू जीवियां आनंद की प्राप्ति होंदी है। इस बरीक भेद नू असीं समझण दी चेष्टा करिए ते गुरु शब्द दे रूप विच सानू उस ज्ञान देंदा है, ज्ञान नू असीं जीवन विच वसाउणा है, उस सच दे ज्ञान नू जीवन विच ढालना है, उस सच दे ज्ञान नू जीवन विच जीवना है। जदों उस सच दे ज्ञान नू जीवन विच जीवांगे ते आनंद दी प्राप्ति होगी सानू। पुआ जी आप जी भी इस बाबत कुछ विचार देना चाहो ते जरूर सांझ पाया जे। मे बी आई एम रॉन्ग, पहले मैं माफी मांग लें, बट आई टॉक एज अ लेमैन, एज अ लेमैन ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल एक तो कह के बिन शब्दे सब अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएगा, एक लाइन तुक लिखी गई है गुरु ग्रंथ साहिब दे विचो। हुण एक ही हैगा वे ए शब्द हैगा, ए अखरी शब्द है, लिपि विच लिखी गई है, गुरमुखी विच लिखी गई है, असी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। हुण ये हैगा एक शब्द, हुण इसी शब्द के अंदर अगर असी विचारदे हाँ तो सानू एक इनफॉर्मेशन मिलती है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान। हुण जिहड़ा ओह ज्ञान मिलता है वह भी खाली अखरी है, ये भी अखरी है तो वह भी अखरी है, पर इसी के अंदर असीं कहते हैं गुरु है, साडा शब्द गुरु है। हुण गुरु के जो सानू अंधेरे तो कढ़ के सानू उजाले विच लैके जांदा है, हुण ओह किंज बनेगा अंधेरे तो लैके उजाले, जदों असीं इस अखरी शब्द नू इस दे अंदरों जिहड़ा अखरी ज्ञान प्राप्त कीता है, जदों मन इस दे उपर तुरेगा, इट विल वॉक ऑन दिस, इंप्लीमेंट करेगा, फिर असीं कित्थे पहुंच जांदे हां, असीं उस तत् ज्ञान, उस तत् शब्द तक पहुंच जांदे हां, वे वी एक्सपीरियंस द गुरु, वे वी एक्सपीरियंस द ब्राइटनेस, द लाइट। जदों असीं इक नूं प्राप्त करदे हां, असीं उस दे नाल सांझ पांदे हां, दैट अवस्था असीं उत्थे पहुंचना है। पर सानूं अखरी शब्द, अखरी ज्ञान तों सानूं तत् शब्द, तत् ज्ञान ते पहुंचना पएगा। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਮੈਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪੂਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਬਾਕੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਤਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਧਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਰ ਵਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚਨਾ ਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਬਾਕੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਝੂਠਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਬਸ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਧ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਾਨ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ। ਸੱਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਬਾਕੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰੀਕ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ,
ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਖਣ ਤੇ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।